सो so गाइस कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी आज का जो हमारा वीडियो है ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने राजस्थान पीटीईटी 2023 परीक्षा के लिए आवेदन किया है और रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गाइस आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है निगेटिव मार्किंग को लेकर तो गाइज़ इस बार अगर आप लोग पी टी की परीक्षा देंगे तो इस बार इसमें निगेटिव मार्किंग होगी तीन घंटे में करने होंगे दो प्रश्न गलत उत्तर पर कटेगा एक अंक तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए पीटीईटी का जो एग्ज़ाम है 21 मई को आयोजित किया जाएगा अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इस बार पीटीटी में नेगेटिव मार्किंग है मैं क्लियर कर देना चाहता हूं इस बार पीटीटी में नेगेटिव मार्किंग है इसलिए जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हों उन्हीं क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करना है जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ देना है ठीक है तो कहने का मतलब है कि अब आप तुक्का भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इस बार तो आप लोग देख सकते हैं कि पी टी मई को होगी परीक्षा पहली बार परीक्षार्थी प्रश्न बुक लेट ले जा सकें घर तो इस बार परीक्षार्थी जो आपको बुकलेट मिलेगी बुकलेट आप अपने घर पे ले जा सकेंगे क्योंकि काफ़ी सालों से एग्ज़ाम हो रहा था और बुकलेट जो हैं आप लोग आपको नहीं मिलती थी बुकलेट एग्ज़ाम सेंटर पर ही जमा कर दी जाती थी लेकिन इस बार आप लोग अब जो बुकलेट आपको मिलेगी वो बुकलेट आप अपने घर पर ले जा सकेंगे और अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मैच कर पाएंगे कि कैसे क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये आप आसानी से पता कर सकते हैं तो इस बार आप बुकलेट अपने घर पर ले जा सकेंगे तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी तीन घंटे में करने होंगे 200 प्रश्न गलत उत्तर पर कटेगा एक अंक तो गलत उत्तर पर कटेगा एक अंक ये आपको ध्यान रखना है और तीन घंटे में आपको 200 प्रश्न हल करने होंगे 10 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में नहीं मिलेगा प्रवेश राज्य के बी कॉलेजों में एडमिशन के लिए इक्कीस मई को होने वाली पी पीटी परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं विश्वविद्यालय ने बुधवार को प्रश्न पत्र एवं अंक योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी किया नोडल एजेंसी ने इस बार एक नवाचार भी किया है पीटीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले पहली बार क्वेश्चन बुकलेट अपने घर साथ ले जा सकेंगे कुलपति आई बी त्रिवेदी ने बताया कि प्रतिवर्ष होने वाली पीटीईटी परीक्षा में परीक्षा देने के बाद विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र बुकलेट वापस लौटा नहीं होती थी, थी इस कारण प्रचार्थी प्रश्न पत्र में किए गए प्रश्नों का खुद मूल्यांकन नहीं कर पाते थे इस समस्या को देखते हुए नोडल एजेंसी ने इस बार प्रश्न पत्र बुकलेट अभ्यर्थियों को साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की है इसके साथ ही परीक्षार्थी अपने द्वारा उपयोग में लाई गई ओ एम आर सीट की कार्बन कॉपी भी अपने साथ ले जा सकेंगे परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस बार परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी अभ्यर्थियों को 200 प्रश्न हल करने के लिए तीन घंटे का समय दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का निर्धारित होगा प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो उन्हीं क्वेश्चन को आपको अटैम करना है दस बजे के बाद परीक्षा केंद्र में नहीं मिलेगा प्रवेश बी कॉलेज में एडमिशन के लिए राज्य भर में पाँच लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है इक्कीस मई को पीटीईटी की परीक्षा एक पारी में सुबह ग्यारह बजे से दो बजे तक आयोजित की जाएगी अभ्यर्थियों को एक घंटे पूर्व संबंधित केंद्र पर पहुंचना होगा सुबह दस बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी देखिए गाइस प्रश्न पत्र चार खंडों में विभाजित होगा ये भी जान लीजिए पीटीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र चार खंडों में विभाजित होगा जिसमें पचास प्रश्न मानसिक योग्यता पचास प्रश्न शिक्षक अभिवृत्ति पचास प्रश्न सामान्य ज्ञान और पचास प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी के होंगे सेक्शन बी शिक्षण अभिवृत्ति में उत्तर के व्यता के अनुसार क्रमशः तीन दो जीरो एवं एक अंक दिए जाएंगे ये अभी आपको ध्यान रखना है देखिए डॉक्टर नरेंद्र पानेरी जो कि नोडल अधिकारी पीटीटी के हैं वो क्या कह रहे हैं विद्यार्थी खुद अपने प्रश्न पत्र का मूल्यांकन कर सके इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर प्रश्न पत्र बुकलेट विद्यार्थियों को वापस देने का निर्णय लिया गया है तो छोटा सा वीडियो तो आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और उससे जरूर करें और जो भी नए हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें तो क्लियर है इस बार निगेटिव मार्किंग होगी आपकी तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो उन्हीं क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत